चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के। नमस्कार, मैं इंद्रजीत शर्मा, हरियाणा अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। हरियाणा कांग्रेस कमेटी के नव नियुक्त अध्यक्ष कुमारी शैलजा आज पूर्व विधायक अनिता यादव के बुलावे पर कनीना पहुंची, जहां उनका कोसली टी पॉइंट पर गर्मजोशी के साथ माला व पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। शैलजा के साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे। कांग्रेस की इस यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जमकर खट्टर सरकार को कोसा और साथ ही लोगों से वादा किया कि वह जो घोषणा पत्र लाएंगे वह जनता के लिए वरदान होगा, जिसमें लिखी एक एक घोषणा को वह पूरा करेंगे। कुमारी शैलजा ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनाव में कंधे से कंधा मिलाकर चलने का आह्वान किया है और यह भी इशारा कर दिया है कि टिकट सिर्फ एक को ही मिलना है, लिहाजा सभी पार्टी कार्यकर्ता आपसी फूट छोड़कर एकजुट होकर काम करें। बहन जी, आज ये प्रोग्राम है, इसके बारे में कुछ सूचित करो। आज का प्रोग्राम कुमारी शैलजा जी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व चीफ मिनिस्टर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पार्लियामेंट महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा में जाएंगे और वहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन है। इस कड़ी में हमारा विधानसभा क्षेत्र अटेली बीच में पड़ता है, तो हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम प्रदेश अध्यक्ष का और एक्स चीफ मिनिस्टर हरियाणा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यहाँ पर मिलकर स्वागत करें। स्वागत कर जी। तो आगे आपकी चुनावों की तैयारी चल रही है, तो उसके बारे में क्या बताओगे, क्या एजेंडा होगा आपका आज? चुनाव का एजेंडा वैसे तो माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बताएंगे कि उनका मेन मुद्दा क्या होगा, लेकिन जितना मुझे पता है कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो 5,000 रुपये हम पेंशन का, ओल्ड एज पेंशन का करेंगे। और जितना जीर्ण शीर्ण जो मेरे विधानसभा क्षेत्र का काम तो बहुत ज़्यादा खिंडा पड़ा है, उनके काम तो है ही हैं जो वो करेंगे, लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में जैसे सबसे पहले तो यहाँ सब डिवीजन कनीना की बात आ जाती है, तो इसमें सेक्रेटरी तैयार नहीं हुआ, जुडिशरी का कैंपस तैयार नहीं हुआ, हॉस्पिटल चालू नहीं हुआ, कॉलेज चालू नहीं हुआ, वेमेन कॉलेज, और ना यहाँ पे सीवरेज की व्यवस्था हुई। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये सारे काम कराएंगे। और जो हमने पावर सबस्टेशन लगाए थे बिजली के, उनके ऊपर जितने भी वो सबस्टेशन हैं, 7 सबस्टेशन हैं जो मेरे विधानसभा कोष इसके अटेली के अंतर्गत आते हैं, तो उनमें जो तार नहीं डली हैं ढाणियों के लिए और गांव के लिए, उनमें तार पुरवाए जाएंगे। विशेष तौर पे सबसे बड़ी समस्या हमारा मूलभूत पानी पीने की समस्या है। जिन जिन गांव में जैसे खेड़ी काटी नावदी रामपुरा, इन गांव में पीने के पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो वहाँ पे हमने बूस्टिंग स्टेशन लगवाया था कांटी में, लेकिन वो अभी तक भी चालू नहीं हुआ, जिसकी वजह से गाँव वालों को पानी के पीने की व्यवस्था नहीं है। इसी तरह से हमारा जो अटेली विधानसभा क्षेत्र का, मेरा विधानसभा क्षेत्र का खोड, अटेली ब्लॉक का खोड गांव है, उसके अंतर्गत मेरा गांव आता है खोड, जहां पे मेरा रेजिडेंस है, उस इलाके में भी ऑलमोस्ट किसी भी उसमें एरिया में पानी नहीं है पीने का, क्योंकि हम उनमें ढाणियों में रहते हैं, तो ढाणियों में ना बिजली है ना पानी है। सबसे पहले प्रायोरिटी हमारा पीने के पानी का, और यानी कि लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमें बेसिक चीज़ क्या चाहिए, गलियों में, गाँव में गली चाहिए, एजुकेशन के लिए स्कूल कॉलेज की व्यवस्था ठीक से चाहिए, ये जो हमने करे थे उन कामों को अभी चालू करना है। ऐसा नहीं है कि झूठ पे झूठ बोले जाऊं और काम कुछ नहीं करूं, मैंने हमेशा काम किया है और काम करने में विश्वास रखती हूं, और जो मैंने जितने भी काम यहां पर चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के आशीर्वाद से, कांग्रेस पार्टी के आशीर्वाद से, मैडम सोनिया जी की कृपा से, जो काम यहां पर जो छेड़े थे वो सारे के सारे अजीटी अधूरे पड़े हैं, उनको पूरा कराना है। जैसे कि बड़े शर्म की बात है मुझे कहते हुए, अतिशयोक्ति है इस बात में कि मौजूदा गवर्नमेंट ने नगर पालिका के चुनाव के 1.5 से 1.5 साल हो गए हैं, लेकिन कनीना में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सरकार की विपरीत उसमें बन गए थे, सरकार के ना चाहने पे भी बन गए थे, तो इसलिए उसको तो विशेष तौर पे इनको नोटिफिकेशन किया नहीं, इनका काम हुआ नहीं। और इसी तरह से वहाँ का जो है अटेली ब्लॉक का, अटेली नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का अभी तक चयन नहीं हुआ है, सो आप देख सकते हैं डेमोक्रेसी का कितना भारी हनन हुआ कि जो लोग चुन चुन के आए हैं, लोगों की उम्मीदों के मुताबिक चुन के आए हैं, उनको अभी तक वो तक भी नहीं हुई है अध्यक्ष उपाध्यक्ष की, और जहाँ ज़बरदस्ती यहाँ कन्या में औस्त ले भी ली है तो यहाँ पे किसी तरह का कोई अधिकारी नहीं बैठता, इसलिए बहुत सारे मुद्दे हैं, जितने मुद्दे गिनाऊंगे उतने कम। तो मैडम जी, आपके जो आपकी सरकार बने हरियाणा में, तो नौजवानों के लिए क्या संदेश है आपका? नौजवानों के लिए मेरी तो प्रायोरिटी यही होगी कि जैसे कि हमने 2 भोजावास में ITI, 1 भोजावास में 1 सुजापुर में ITI कराई, टेक्निकल एजुकेशन पे मैं ज़्यादा बल दूंगी। हाँ। तो इसी तरह से ही हमारा जो विधानसभा क्षेत्र था और विशेष तौर पर महेंद्रगढ़ जिला, जो
जो ये डार्क जोन में था, जब चीफ मिनिस्टर हरियाणा बने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हमने उनसे प्रार्थना की कि हम जी डार्क जोन में आते हैं महेंद्रगढ़ जिला वाले, तो हमें इसमें NCR में लाया जाए, शहरी जोन में लाया, दिल्ली की तर्ज पर लाया जाए या रेवाड़ी की तर्ज पर लाया जाए। तो उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया। इसमें श्रुति चौधरी को भी हमने शामिल किया क्योंकि वो हमारी मेंबर थी मेंबर पार्लियामेंट के नाते, और हम चारों के चारों विधायक वहाँ पर गए चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ। और जब जाके हम NCR में डार्क जोन से हम शहरी जोन में हम महेंद्रगढ़ जिले को लाए, जिसकी वजह से मेरे युवाओं को ये प्रायोरिटी है कि यहाँ पर हमारा लॉजिस्टिक हब आना था, या हमारा जो एम्स है यहाँ पे मनेठी में, जो है मनेठी में, तो ये तो एक इन्होंने बबल गम हाथ में दी थी, अब बबल गम खाओ और चुनाव लड़ाओ। लेकिन आपको पता है जब पहाड़ियों में कुछ हो ही नहीं सकता, जहाँ पे अरावली आई हुई है और वन विभाग खड़ा है, वहाँ पे आप समझ सकते कुछ भी काम होने का होता ही नहीं है। तो 4 किलोमीटर जब हमारा जो एरिया आता है, मेरा गणियार बाजार आता है, तो वहाँ पे मैं समझती हूँ कि अगर एम्स को 4 किलोमीटर और थोड़ा पीछे सरकाया जाएगा तो हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा है, क्योंकि लॉजिस्टिक हब के लिए हमने तैयार किया था, तो सारा का सारा एम्स को काम आ सकता है। तो एम्स आने के बाद हमारा सारा काम सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी तरह से हमारा एक मेडिकल कॉलेज गया हुआ है यहाँ से, जो बाछोत था वो भी वहाँ सीमा में चला गया, तो उसमें नगर नांगल चौधरी में चला गया, तो उसको भी हमने यहाँ दोबारा से लाने की हम पूरा प्रयास करेंगे ताकि बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल सके और जिससे उनके रोज़गार बढ़ सके। एक मैडम जी, हमें सुना है कि हल्का अटेली में बहादुर सिंह भी अपनी ताल ठोक रहे हैं, उसके बारे में क्या बताओगे? बहादुर सिंह मुझे तो अंदाजा नहीं है, कांग्रेस पार्टी का वो है इसमें, हम तो कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। आप कांग्रेस पार्टी के सिपाही हो, कांग्रेस पार्टी से ही उन्होंने कुछ होल्डिंग लगे देखे हैं, कुछ इसलिए सुनने में आया है, देखे भी हैं, उसके बारे में? नंबर एक तो ये हाईकमान का निर्णय है कि वो क्या करेंगे, लेकिन जहाँ तक मेरा विचार है अटेली से तो किसी तरह से भी, क्योंकि हम यहाँ पे पुराने 10 साल से काम कर रहे हैं और पूरी तरह से जब हम यहाँ पर सरकार में थे तो हमने जम के काम कराए, और 10 साल में मैं लगभग व्यक्तिगत जितने आप आ जा रहा हूँ आज कार्यकर्ता देख रहे हैं, हम उनके सम्मान में सुबह से खड़े हैं, तो मैं हजारों कार्यकर्ताओं को जानती हूँ यहाँ, जिनके व्यक्तिगत किसी न किसी तरह से मेरे संबंध हैं, और इनकी अगर मेरा ऊपर आशीर्वाद हुआ, चीफ मिनिस्टर पूर्व चीफ मिनिस्टर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आशीर्वाद हुआ और शैलजा बहन का मेरा साथ हुआ और हाईकमान का आदेश हुआ, तो अटेली से विधानसभा क्षेत्र मेरा है और यहीं पर चुनाव लड़ने का मन है। बाकी पार्टी का जो भी आदेश होगा सिरमौर होगा। ठीक है।